रियल स्टेट से जुड़े बड़े व्यवसायी भी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। हिमाचल जैसे शांत प्रिय राज्य में प्रकृति के बेहद करीब लोग बसना चाहते हैं। यही वजह है कि बिल्डर्स अब हिमाचल का रुख कर चुके हैं। इस कड़ी में अब पंजाब में अपने रियल स्टेट व्यवसाय का सिक्का जमा चुके जेबी ग्रुप ने हिमाचल में सबसे पहले कार्यालय सोलन में खोला है। इसका शुभारंभ सांसद वीरेंद्र कश्यप ने किया। इस अवसर पर जीबीपी ग्रुप के डायरेक्टर रमन गुप्ता विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर सांसद वीरेंद्र कश्यप ने कहा कि आज रियल स्टेट के व्यवसायी हिमाचल का रुख कर रहे हैं। उनके हिमाचल में आने से जहां एक और करोड़ों रुपए का निवेश होगा, वहीं युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। उन्होंने कहा कि जीबीपी ग्रुप रियल स्टेट में अग्रणीय भूमिका निभा रहा है और अब उन्होंने अपना कार्यालय सोलन में खोला है। इस कार्यालय के खुलने से रियल स्टेट के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित होंगे। उन्होंने कहा कि रियल स्टेट में व्यवसायियों से भी वे आग्रह करते हैं कि भवनों का निर्माण इस तरह से हो ताकि हिमाचल की खूबसूरती को नुकसान न पहुंचे। गुप्ता बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स के नाम से जो है हमारा एक यहाँ पर जो रियल एस्टेट का एक बहुत अच्छा ग्रुप है, उसका यहाँ के दफ्तर का एक उद्घाटन हुआ है। मैं इनकी प्रशंसा भी करता हूँ कि जो ये ग्रुप है बहुत अच्छा काम जो है वो कर रही है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, साथ साथ जो है वो हमारी मार्केट में भी जो है वो काफ़ी इजाफा जो है प्रदेश की इकोनॉमी में भी होगा। परंतु मेरा इतना ही मानना है कि जो ईमानदार लोग रियल एस्टेट में आए हैं वो आगे बढ़े हैं, और हिमाचल प्रदेश में कुछ कानून, सख्त कानून भी हैं जिस वजह से हमारी यहाँ पर आज हमारा अस्तित्व बचा भी है। तो हम ये भी नहीं चाहेंगे कि अंधाधुंध जो हैं इस प्रकार के बिल्डर जो हैं वो प्रदेश में आए। सरकार का रुख ये जरूर रहेगा कि हमारे नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार भी मिले और यहाँ की जनता को, जो लोग बिल्कुल जेन्युइन लोग हैं, उनको भी यहाँ पर रहने के लिए अच्छा जो है वो एनवायरनमेंट बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर प्योर ऑक्सीजन हमको अवेलेबल है, तो वो इस प्रकार का अगर होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा।